नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco X3 versus Realme 9 5G SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco X3 में 6.51 इंच जबकि 9 5G SE में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco X3 से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco X3 में 3 इंच जबकि 9 5G SE में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco X3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco X3 में 0.4 इंच जबकि 9 5G SE में 0.33 इंच की थिनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 में 225 ग्राम जबकि 9 5G SE में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 में 6.67 इंचेस जबकि 9 5G SE में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco X3 में 85.16% जबकि 9 5G SE में 84.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco X3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9 5G SE में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco X3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 9 5G SE की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco X3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9 5G SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco X3 में Adreno 618 जबकि 9 5G SE में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco X3 में Qualcomm Snapdragon 732G और 9 5G SE में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 6 GB, 8 GB की रैम मिलती है, जबकि 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB, 8 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9 5G SE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco X3 में अप टू 512 GB जबकि 9 5G SE में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco X3 में Android V10 क्यू जबकि 9 5G SE में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco X3 में 6000 mAh जबकि 9 5G SE में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
पोको X3 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹19,990, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹16,999, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹18,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 95GSE की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹19,999, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹22,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Poco X3 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 5GSE की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Poco X3 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 5GSE आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A74 5G है, दूसरा मोटो G60 है, तीसरा इन्फिनिक्स नोट 11 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटोरोला H20 फ्यूजन है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।